नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में और मैं हूं आपके साथ आयुषी मित्तल। देश में कोरोना के खिलाफ जंग अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई कोविशील्ड वैक्सीन काफी सारे शहरों में पहुंचा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि 16 जनवरी से टीकाकरण का पहले चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं 13 शहरों में वैक्सीन पहुंचाने का काम भी जारी हो चुका है। कई वैक्सीन स्टोरों पर करीब 55 लाख खुराक पहुंचाई जा चुकी है। वहीं कई शहरों में टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इन सारी खुराकों का खर्च केंद्र सरकार की जेब से जाएगा। बता दें कि पहले चरण में 3 करोड़ वैक्सीन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दी जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना पैंडेमिक के टाइम अपनी सेवाएं दी थी। इन सभी 3 करोड़ वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार अपनी जेब से देगी। कई शहरों में वैक्सीन पहुंचाने का काम अभी भी जारी है। वहीं कई शहरों में वैक्सीन पहुंचा दी गई है। इन शहरों में है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, शिलांग, हैदराबाद, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, पटना, भुवनेश्वर, मुंबई, चंडीगढ़, लखनऊ और बेंगलुरु में वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा चुकी है। वहीं चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और करनाल में सामान्य मेडिकल स्टोर की व्यवस्था की गई है। वहीं सभी राज्यों में कम से कम एक राज्य स्तरीय क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर है। इसमें सबसे अधिक वैक्सीन स्टोर उत्तर प्रदेश में है। दरअसल भारत सरकार द्वारा ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की 1.1 करोड़ खुराकें खरीदी जा चुकी हैं। इस वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। बता दें कि प्रत्येक खुराक की कीमत 210 रुपए है, यानी भारत सरकार को इस वैक्सीन के लिए 231 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यहां से इन्हें 13 अलग अलग शहरों में पहुंचाया गया। सभी शहरों में ग्रीन कॉरिडोर की मदद से टीके को भंडारण कक्ष तक ले जाया गया। अब यहां से इन्हें ब्लॉक और जिला स्तर पर सड़क मार्ग से पहुंचाया जाएगा। देशवासियों को कोरोना मुक्त करने के लिए 16 जनवरी की टीकाकरण का पहला चरण शुरू होना है। स्वास्थ्य विभाग ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन और साथ ही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। साथ ही भारत सरकार ने इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को 6 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, जिसमें कोविशील्ड की 56 लाख वैक्सीन पहुंचाई जा चुकी है। वहीं हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने इन सारी वैक्सीन की पहली खेप को पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। टीके के हर डिब्बे पर लिखा गया है सर्वे संतु निरामया, यानी सबके रोग मुक्त होने की कामना यहां पे की गई है। भारत के इंस्टीट्यूट AAI ने इन सभी डिब्बों पर ये लिखते हुए स्वस्थ भारत की कामना की है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि हर डिब्बे में 1200 वॉयल है, यानी 5 ml की शीशी 10 लोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार ने निजी बाजार में इन वैक्सीनों को बेचने की अनुमति नहीं दी है और भारत सरकार से और लगातार भारत से कई और देश भी इस वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश को प्राथमिकता पे रखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि पहले हम अपने देशवासियों को ये वैक्सीन मुहैया कराएंगे, उसके बाद हम दूसरे देशों में इसे भेजने की तैयारी करेंगे। हिंद भारत की इस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप मेरे साथ देखते रहिए हिंद भारत, जहां नहीं रुकता खबरों का सिलसिला। आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा, क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं,